सोलंकी न्यू 21 बाड़मेर। सर, न्यू 21 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय मेमोरियल परिवार की ओर से। सर, अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मैं केसर राम जाट, विजय मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोरिमना। विजय मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोरिमना 2002-03 में स्थापित होकर के 2024-25 में अपनी स्थापना के 23वें साल में प्रवेश करने जा रहा है। सर, अपने स्कूल में भौतिक सुविधाएं क्या क्या है? हमारे विद्यालय में समस्त तरीके की भौतिक सुविधाएं हैं। शानदार बिल्डिंग है और पूरा फर्नीचर उपलब्ध है। विज्ञान संकाय के लिए लैब उपलब्ध है और बच्चों खेलने के लिए ग्राउंड है और कक्षा टेस्ट के लिए शानदार बड़ा टेंट सेट भी बना हुआ है और बच्चों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी उपलब्ध है और बच्चों के आने जाने के लिए बसेज की भी सुविधा है। सर, अपने विद्यालय के अंदर कुल छात्र की संख्या और कर्मचारी या टीचर्स कुल कितने हैं? हमारे विद्यालय में करीबन 1600 विद्यार्थी है और 100 से अधिक विद्यालय स्टाफ उपलब्ध है और विद्यालय उनको रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। सर, अपने विद्यालय में संकाय क्या क्या है? हमारे विद्यालय में सर 3 संकाय चल रहे हैं। कला और विज्ञान वर्ग पहले से चल रहे हैं और कृषि विज्ञान संकाय इसी वर्ष शुरू किया है, तो तीनों संकाय उपलब्ध है और तीनों संकाय बहुत ही शानदार चल रहे हैं। कृषि विज्ञान सर इस सत्र में चालू किया है? कृषि विज्ञान सत्र इसी सेशन में स्टार्ट किया है। पहले कला वर्ग चलता था और 2011-12 में विज्ञान संकाय प्रारंभ हुआ और इसी सेशन से एग्रीकल्चर स्ट्रीम भी स्टार्ट करती है। सर, अपने विद्यालय के अंदर विशेष उपलब्धियाँ क्या है जो अपने बच्चों को प्रेरित करके आगे बढ़ाने में प्रयास करते हो? और सर, हमारे विद्यालय में सबसे पहले सर बताना चाहूँगा कि नीट 2018 में प्रिंस कड़वा सरकार के विद्यार्थी ने OBC लेवल में इंडिया टॉप किया था, जो कि न केवल हमारे विद्यालय के लिए बल्कि हमारे विद्यालय बाड़मेर ही नहीं अपितु राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। और उसके बाद में इससे पहले भी नीट में चयन हुए थे और उसके बाद में लगातार 6 से 7 विद्यार्थी प्रतिवर्ष नीट और JEE में चयनित हो रहे हैं। ये अपने विद्यालय के लिए विशेष उपलब्धि भी है। इसी के साथ में गवर्नमेंट की ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें अपने विद्यालय के विद्यार्थी चयनित नहीं हो रहे हैं। लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, सेकेंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, अभी जो फर्स्ट ग्रेड जो रिजल्ट आया था गत वर्ष में, तो कला वर्ग और विज्ञान वर्ग में 8 लेक्चर्स का चयन हुआ था। तो ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाकी बोर्ड क्लास में 10th क्लास और 12th क्लास हाई स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं और वे हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है। सर, अपने विजय ग्रुप में और कौन कौन सी शाखाएं हैं? हमारा विजय ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है। हमारे विजय ग्रुप में एक तो हमारा MR कॉलेज है जो BA and BSc डिग्री उपलब्ध कराता है और MR पैरामेडिकल कॉलेज है जिसमें 4 तरह के डिप्लोमे कराए जाते हैं, DMLT, DRT, OT, ECG। और एक हमारा SUM हॉस्टल भी है और एक SUM इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसमें क्लास 1 से लेकर के 10th तक चलती है और वैसे 12th तक है लेकिन क्लास 1 to 10th तक चलती है। सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे एक रहेगा। अपने विद्यालय से 2001 से ओपनिंग किया बता रहे हो? 2002 से आज तक 2024 है, तो आज तक कोई गवर्नमेंट कर्मचारी कितने लगे ऐसा कुछ बता सकते हो? सर, गवर्नमेंट कर्मचारियों के बारे में बात करना चाहूँ तो लेवल 1 में पहले एक भर्ती आई थी जिसमें 21 विद्यार्थी एक साथ निकले थे। उसके बाद में लेवल 2 में करीबन 12 विद्यार्थी निकले और सेकंड ग्रेड तो सर कन्फर्म संख्या याद नहीं है लेकिन 6, 7, 8 ऐसे कुछ संख्या ऐसे 7 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ और फर्स्ट ग्रेड में 7 लेक्चर्स चयन हुए हैं जो कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों से हैं। और अभी कुछ रिजल्ट आने हैं उसमें? अभी आ रहे हैं तो अभी बहुत बड़ी संख्या में हमारे विद्यालय के विद्यार्थी एजुकेशन क्षेत्र में आएंगे ऐसा पूर्ण विश्वास है। और एजुकेशन के साथ साथ में अभी कई विद्यार्थी बहुत ही टॉप की तैयारी कर रहे हैं तो प्रशासनिक सेवा में भी जाएंगे। मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़ में। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी विद्यालय परिवार में पधारने पर। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और स्वागत करता है। थैंक यू। थैंक यू।